हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए आज एक और प्यारी कहानी सुनते हैं। श्री कृष्ण दौरे से ले आए। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी, नाम था रतिया। यही ब्रजदास का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग करते, यह उनका नियम था। एक बार एक संत ने कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज्यादा है, पैसे भी नहीं है, नहीं तो सेवक कर लेते, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हामी भर ली। ब्रजदास ने कहा, गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। संत ने भी कहा, ठीक है, मैं 4 बजे तैयार मिलूंगा। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4:30 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं ले लिया। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को सांस का रोग था, कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही 11 बज गए। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे है, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। ब्रजदास ने कहा, बरसाने की ब्रजभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अंत मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। यह सुनकर संत की आंखों से अश्रु पात होने लगा। कितने वर्ष की पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापिस राधे राधे करते हुए रवाना हुआ। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत, भगवान को दया आएगी। वो भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगा। एक पेड़ की साया में ब्रजदास रुके और वही मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयोग किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुए। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल गजराज को, तारा द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में है, कोई उपाय नहीं लग रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वही उसके प्राणों की रक्षा कर सकती है, उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहर में राधा रानी के महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान को भी कौतूहल करने में बड़ा आनंद आता है। उन्होंने राधा रानी से कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और सलने को कहा। साथ ही यो भी कहा, तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी ब्रजदास की बेटी के रूप में तैयार होकर पहुंची, आवाज लगाई, पिताजी पिताजी। ब्रजदास जागे, बेटी के शरणों में गिर पड़े और कहने लगे, आज तू नहीं आती तो प्राण चले जाते, पता नहीं क्यों आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को अपनी संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनका संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के शरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? ब्रजदास ने कहा, आज तूने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई पिताजी। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ है? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास के समझ में सारी बात आ गई। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए,
भक्ति सच्ची हो तो भगवान जरूर आते हैं। इसी को दर्शाती एक और कथा है। भगत कबीर जी की बेटी की शादी का समय नजदीक आ रहा था। सभी नगरवासियों में कानाफूसी चल रही थी कि देखो कबीर की बेटी की शादी है और इनको कोई फिक्र नहीं है। पता नहीं यह बरसातियों को आओ भगत कर पाएगी या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों की कानों तक यह बात पहुंचा दी कि कबीर ने ना तो अभी तक शादी की कोई तैयारी की है और ना ही दान दहेज का कोई इंतजाम किया है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों की जुगबुगाहट तेज हो गई। इतने में शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा। कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ यह देखने के लिए गए कि कबीर जी की पगड़ी उसलते देख सके। लेकिन कबीर जी सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाके भजन बंदगी में बैठ गए, मालिक से अरदास करने लगे। हे परम पिता परमेश्वर, आपने मुझे जिस उद्देश्य के लिए भेजा है मैं तो उसी में लीन हूँ, बाकी आप ही संभाले। खैर शाम होते होते भजन बंदगी में बैठ कबीर जी के कानों में आवाजें आनी शुरू हुई। धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। कबीर जी ने आंखें खोलकर देखा कि कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे हैं। कबीर जी ने अपनी दोसाला से मुंह ढका और उनसे पूछा, भाई क्या हुआ, किस कबीर की बात कर रहे हो, क्या वो जुलाहा? लोगों ने कहा, हाँ भाई ऐसी शादी तो आज तक हमने नहीं देखी, इतना दान दहेज, बहुत सारे पकवान, वाह भाई वाह, मजेदार लजीज व्यंजन। बोलते हुए वो लोग आगे बढ़ गए। कबीर जी ने सोचा कि कहीं यह मेरा मजाक तो नहीं बना रहा है। जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे और वहाँ का नजारा देखकर हैरान हो गए। पूरा घर चमचमा रहा था, चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की बीबी उनके पास आकर बोली, सुबह से शादी की तैयारी में भागदड़ कर रहे हो, अब तो कपड़े बदल लो, बेटी की डोली विदा करने का समय हो गया है। कबीर जी की आंखों में पानी आ गया और धीरे से बोले, सुनो भाग्यवान, मैं तो सुबह पहले पहर ही घर से निकल गया था। उनकी बीबी सारा मजरा समझ चुकी थी कि परमेश्वर खुद ही कबीर जी का रूप बनाकर हमारे घर भागदड़ कर रहे थे। अब दोनों की ही आंखों में शुक्र के आंसू थे। दोस्तों जब आप अपना सारा कुछ पूरे विश्वास के साथ ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो ईश्वर भी उसे पूरी जिम्मेदारी से उस काम को पूरा करते हैं। इसीलिए हमें भी दुनिया में जो भी प्राप्त करना है वो हमें भजन सिमरन के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए मन की ना सुनते हुए सब उस पर छोड़ दीजिए। हमें मनमुख नहीं बनना है, हमें गुरु का आदेश मानना है और इस पर अमल करना है, बाकी सब उस पर छोड़ देना है, वो सब कुछ संभाल लेगा, हमारा परमार्थ भी और स्वार्थ भी। अयोध्या के बहुत निकट ही पौराणिक नदी कुतिला है जिसे आज तेरी कहते हैं। उसके नद के निकट ही एक भक्त परिवार रहा करता था। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मसेरा भाई ही था। वो जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही है। उसकी आयु उस समय मात्र 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि मैं भैया के लिए राखी लाई हूँ। पुजारी जी ने सोती से सरस्वती को गुद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूँ और राखी मैं बांधूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। सारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने सारों भाइयों से कह दिया, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि सारों भाइयों को विवाह में आना ही है।
ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको सादर ओढ़ता है और कुछ वस्तुएं भेज देता है। उसके मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार बस्ता और 11 रुपए लेकर रिक्शा पर बैठकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी सोत आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास था कि सारू भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया था कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वो दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय सार मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए सभी ने देखा। पहले गाड़ी से उसके मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे, बाकी गाड़ियों से और 3 जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए थे। उन्होंने रत्न उड़ीत पगड़ियाँ वस्त्र हीरे के हार पहन रखे थे। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए थे। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतरना शुरू किया। स्वर्ण चांदी पीतल तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर सोफे ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ अलमारियाँ, कान नाक गले कमर हाथ पैर और आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। सारू का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे सारू भाई है। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद नहीं बताना, गुप्त ही रखना। उनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। यह गाड़ियाँ कैसे आई? यह अन्य 3 लोग कौन है? लोग हैरान होकर देख रहे थे कि यह अभी तक तो रो रही थी और अब इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक सारू भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद लिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वो गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब सारू भाई अंतर्धान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहाँ आया। उसने वस्त्र उड़ाया, उपहार और 11 रुपए दिया। मौसी ने पूछा कि अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहनने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, यह पट्टी कैसे बन गई और कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये सारू कौन थे? तब उसने कहा, माँ मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो सार ही भाई है और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही है। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बनकर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। दोस्तों कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई एक कहानी के साथ, तो फिर राधे राधे।